वालेकुम वेलकम टू जी एफ एक्स मैं मैं आपका टीचर इमरान और मज़ा आ रहा होगा यकीन रोज़ की क्लासेस से सो so, कल की क्लास में हमने बड़ा इंटरेस्टिंग सा थोड़ा बहुत एनिमेट किया रिक करने के बाद और एंटर आ यार अभी भी मेरा फेवरेट है आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा तो so, आज की क्लास क्या है छोटी सी क्लास दो बिहेवियर्स और बिहेवियर्स क्या होते हैं कुछ ऑटोमेटेड काम आपको रेक्टर एनिमेटर देता है और उन दो बिहेवियर से थोड़ी सी जान आ जाएगी आपके इस कैरेक्टर में तो आइए स्टार्ट करते हैं वेलकम बैक सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिहेवियर्स क्या होते हैं देखें आपको आ, आ, जो कैरेक्टर एनिमेटर है उसमें आ, कुछ बिहेवियर्स दिए हुए हैं बहुत सारे मैं अभी सिर्फ दो की बात करूँगा एक है आपका ऑटो आई ब्लिंक मतलब हम जब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो बार बार समटाइम्स ऐसा फील होता है कि मैं चूंकि चश्मा पहना हुआ पहनावाऊँ और मेरा वेब कैम समाइम्स मेरी आँखों को प्रॉपरली ट्रैक नहीं कर रहा होता है तो आई ब्लिंक मुझे बहुत ज़ोर से करना पड़ता है ताकि वो ब्लिंक करे तो मैं ये चाह रहा था कि यार आंखें खुद ब खुद ये ब्लिंक करना शुरू कर दें मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े तो वो एक ऑप्शन अवेलेबल है दूसरा बिहेवियर मेरा कैरेक्टर सांस लेना शुरू हो जाए ऐसे और सांस कैसे लेगा वो उसका भी एक अलग से बिहेवियर है तो जल्दी से छोटी सी क्लास रखूँगा और जल्दी से ये दो बिहेवियर्स देखते हैं फर्स्ट ऑफ तो ऑल मेरी स्क्रीन पर देखें तो ये मेरा वही कैरेक्टर जो मैंने कल की क्लास में आ, यार आई लव दिस ये क्यूट है ये बहुत क्यूट है है ना चलें बैक टू पढ़ाई फर्स्ट थिंग मुझे इसको ऑटो ब्लिंक करना है अभी देखें मैं ब्लिंक करता हूं तो ये यस पकड़ तो रहा है लेकिन चूंकि मेरे यहां पर आ, कैमरे के आगे ठीक ठाक लाइट्स लगी हुई हैं समटाइम्स अगर मैं लाइट्स ऑफ कर देता हूं तो ये इतना क्लियरली ट्रैक नहीं करता आई ब्लिंक मैं चाह रहा हूं कि यार मुझे ब्लिंक ना करना पड़े ये खुद ही करता रहे सबसे पहले यहाँ आ जाएँ आपके रोबो में या आप सिंपली रेग मोड में आ जाए ठीक है और यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर जो आपको सारे ग्रुप्स देख रहे हैं इसमें सेलेक्ट करें अपना रोबो यानी कि जो मेन हेडिंग जो मेन लेयर है वो सेलेक्ट करेंगे और उसके ऊपर आपने अप्लाई करना है यहाँ ऊपर देख रहे हैं एक प्लस साइन दिया हुआ है इस पर क्लिक करें यहाँ से क्लिक करें ऑटो प्लिक ऑटो प्लिक जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये एक बिहेवियर ऐड हो जाएगा और ये बिहेवियर आपको नज़र आएगा आपके रिकॉर्ड वाली स्क्रीन पर भी सो आप देखें मेरे आंखें अपनी कंटिन्यूस खुली रखी हुई हैं लेकिन ये ऑटोमेटिकली आपका आईज ब्लिंक कर रहा है ना एक सर्टन अमाउंट ऑफ नंबर है कि जिसके ऊपर ये ब्लिंक कर रहा होता है अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं सो so, अगर आप राइट right साइड पर देखें तो पपेट ट्रैक बिहेवियर यहाँ पर आपको दिख रहा है ये रहा ऑटो ब्लिंक इसको ज़रा ओपन कर लें और यहाँ पर ब्लिंक्स पर मिनट दिए हुए हैं इस वक्त थर्टी सो so, अगर मैं इसको बढ़ा दूँ वैल्यू तो पर मिनट ये बहुत ज़्यादा ब्लिंक करेगा सीधस मैं इवन अपनी आंखें मैंने नहीं झपक रहा हूँ लेकिन ये खुद खुद झपक रहा है और इसको और बढ़ा दें तो ये बेचारा अजीब सा हो जाएगा लेट्स सी क्या होता है ज़रा जूम आउट कर लूँ सी दस थ्री हंड्रेड टेन पर मिनट तो ये बेचारा आंखें ऐसे ही करता रहेगा दैट इज़ क्वाइट वियर्ड लेट्स जस्ट कीप इट एट हंड्रेड मे बी ठीक है और uh, ये भी वैसे तो ज़्यादा है जिसकी डिफ़ॉल्ट थी वही रख लीजिएगा एनी वेज़ ये तो हो गया हमारा आई ब्लिंक वाला मैं इसका ज़रा जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि जी अब आप देखें आँखें ये खुद ब्लिंक कर रहा है मैं अपनी आँखें खुली रख रहा हूँ ठीक है जी सो so, आंखें ब्लिंक होना शुरू हो गई हैं मैं बार बार मुझे मजा आ रहा है ये एंटेना को हिलाते हुए एन एज बैक टू रिग मोड दूसरा uh, काम कीजिए सांस लें अच्छा सांस कहाँ से लेगा पहली चीज़ तो ये देखें हमारा जो ये वाला पार्ट था टॉर्सो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसके अंदर आई नीड टू एड अंडल चाहिए सो यहाँ नीचे आपके पास हैंडल टूल दिया हुआ है इस पर क्लिक करें और यहाँ पर इसके सीने पर लगा दें हैंडल uh, ये हैंडल क्यों लगाया है ताकि हम एक टैग लगा सकें ब्रीदिंग का देखें यहाँ पर हम यूजुअली अपने पपेट के सारे जॉइंट्स वगैरह को टैग करते हैं लेकिन इन टैग्स में देखें अगर ये टैग्स ना खुलाओ तो यहाँ पे क्लिक करके टैग्स को खोल लें नीचे देखें सबसे नीचे जहाँ फिजिक्स है फिर मॉडिफायर्स एंड देन फिर मेसेलनियस है इसमें आपके पास दिया हुआ है ब्रीदर ब्रीद के नाम से इस हैंडल पे आपने टैग लगाना है ब्रीद ये लग गया ब्रीद लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है हमें एक और बिहेवियर ऐड करना होगा हमें सिर्फ इस पर्टिकुलर लेयर पर ब्रीथ का बिहेवियर लगाना होगा वो किस तरह से लगेगा देखें इस पे आ गए हैं यहाँ पर देखें एक ऐड अ बिहेवियर का ऑप्शन दिया हुआ है क्लिक करें और यहाँ से ले लें ब्रीद और हो गया जी जरा सीन पे आके देखें बहुत ज़ोर से सांस ले रहा होगा अभी बहुत ज़ोर से देखें ज़रा यहाँ से मैं फिट कर रहा हूँ सीजस दिस इज टू मच बहुत ज़्यादा सांस ले रहा है ऑब्वियसली uh, हमें इसकी सांस जो इतनी फूली हुई है इसको थोड़ा सा कम करना होगा और ये कैसे कम होगा अब अगेन राइट साइड पर देखें जहाँ पर ये ऑटो ब्लिंक आ रहा था सही है uh, इसको ज़रा बंद करें यहाँ से और नीचे आ जाए सॉरी पपेट ट्रैक बिहेवियर्स में नीचे आ जाए सबसे लास्ट में आपको दिख रहा है ब्रीद टॉर्सो ठीक है ये रहा इसको जूम करके देख लें ये रहा ब्रीद टॉर्सो लिखा हुआ आ रहा है ठीक है और इस पर मैंने जैसे ही क्लिक किया यहाँ पर कुछ हमें ऑप्शन मिल रहे हैं। ब्रीद पर मिनट एक मिनट में पंद्रह मरतबा सांस लेगा मैक्सिमम स्केल इज इस 150। इसको हमें कम करना है तो इसको मैं कर देता हूँ तकरीबन हंड्रेड फिफ्टीन तक में थोड़ा सा नेचुरल लगेगा इतना ज्यादा ब्रीद ना करवाएं कि बेचारा बलून लगना लग जाए सो <laughs> बलून so, नहीं बनाना है हमने बस सिंपली सांस ले रहा है ये दूसरा अगर सांस इसकी बहुत स्पीड में चलानी है तो ये फिफ्टीन पर मिनट जो है इसको बढ़ा दें सो so, मैंने वन सेवन किया हुआ है और दिस इज़ टू मच यार, हर कम ऑन इतना ज्यादा नहीं करना जस्ट जस्ट फिफ्टीन इज़ फाइन यार। ट्वेंटी uh, करना चाहें ट्वेंटी कर लें लेकिन बहुत ज़्यादा मत बढ़ाइएगा बहुत बुरा लगेगा सो दैट्स सेट ये था हमारे दो बिहेवियर्स एक था ब्रीद और एक था ऑटो आई ब्लेंक आई होप आप लोगों को ये क्लास भी पसंद आई होगी छोटी ज़रूर थी लेकिन बहुत काम की है डेली इसी ले ला रहा हूँ कि छोटी छोटी सी क्लासेस रख रहा हूँ और आप लोगों को समझने में आसानी रहे आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो प्लीज़ 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 लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें थैंक यू